हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ आईआईटी जैम एमएस 2024। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, सुपर क्वेश्चन। अगर आपने ठीक से रियल एनालिसिस पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। आइए, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, वेल एन साइन 1/2 n एंड बाकी चीज़ें हैं। बेटा ये इन दोनों के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। जब आप लोग स्कूल में थे तो आपने ये लिमिट पढ़ा होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स। हाँ जी, कितना होता है? 1 होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी साइन 1/n ओवर 1/n। सो ये भी 1 होगा। एंगल मैच करना चाहिए और एंगल 0 को जाना चाहिए। तो ये इस तरह की चीज़ें क्लास में आपको बहुत कराई गई होंगी। तो आइए ज़रा इसी का सहारा लेके साइन का इलाज किया जाएगा। तो पहले साइन वाला एक्सप्रेशन अलग एंड देन एक्सपोनेंशियल वाला एक्सप्रेशन अलग। आ जाओ ध्यान से देखो, अभी करते हैं इसका। हाँ जी, ये हो गया। अब अभी जो मैंने समझाया था आपको, दिस इज ऑफ द टाइप साइन 1/2 n। तो अगर आपको यहाँ कुछ आंसर चाहिए अच्छा सा बढ़िया सा, तो बेटा आप डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 1/2 n से। एंगल मैच कर रहा है और एंगल 0 को जाना चाहिए। तो यहाँ 1/2 n लिया तो यहाँ भी 1/2 n लेना पड़ेगा आपको। आई थिंक आप बात समझ गए। तो आइए ज़रा एक एक करके करते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको मिलेगा हाफ इंटू दिस लिमिट और ये लिमिट आपका 1 है। तो ये पहले वाले का तो इलाज हो गया, अब बाद वाले का इसको कैसे करेंगे? एज एन गोज़ टू इन्फिनिटी दिस गोज़ टू इन्फिनिटी, बट वो उसका मतलब हिसाब किताब कुछ पक्का पक्का नहीं लग रहा। तो बेटा यहाँ एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन लगा दीजिए। ई पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? आप सब लोग तो स्टैट्स के बच्चे हैं, मैथ्स वाले भी देखेंगे इसको। बेटा ई पावर एक्स पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ होता है ना। ई पावर एक्स इज 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आइए, सो दिस विल बी, लेट मी राइट फ्रॉम हियर, लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी एन माइनस 1/2 एज इट इज जी 1 प्लस एक्स, यानी 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, लेट मी राइट दैट बिकॉज जगह नहीं है ज्यादा। और साथ में बिल्कुल एंड में जाके आपका हाफ भी ऐड हो रहा है। अब देखो बच्चे, ध्यान से देखो, ऑल ऑफ यू, यस इफ यू आर केयरफुल इनफ। तो बेटा ये माइनस हाफ है और वो प्लस हाफ है, आई थिंक कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये 1 कैंसिल कर रहा हूँ, है ना, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो ये तो हाफ है प्लस लिमिट एन गोज़ टू इन्फिनिटी। बेटा एक एन बाहर बैठा हुआ है, फिर एन इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, इधर से निकालिए। यहाँ से जब आप एन निकालेंगे तो 1/n रिमेन रहेगा, यहाँ 1/n² रहेगा, आगे 1/n4 रहेगा, अब n³ रहेगा। अब समझ गए, समझ गए। तो ज़रा साथ आ जाओ, एन को अंदर लेके जाओ। सो दिस विल बी, एन अंदर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। हाँ जी, एन स्क्वायर से एन मल्टीप्लाई होगा तो 1/n, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर लीजिए। माइनस 1 का थर्ड पावर माइनस 1 होता है एन, ये एन क्यूब है और ये एक एन है, कैंसिल होकर आपका एन स्क्वायर बनेगा। एन आपको अब नज़र आ गई पिक्चर कि बेटा जैसे ही आप एन गोज़ टू इन्फिनिटी लगाएंगे, 1/n, 1/n² 1/n³, तो सब 0 ही हो गया। सो यू एंड अप विद व्हाट? वेल, द डिजायर्ड क्वांटिटी प्लस माइनस हाफ इंटू माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0 एंड प्लस 0। सो आंसर इज हाफ प्लस हाफ, दैट मीन्स आंसर इज 1। बहुत शानदार क्वेश्चन था एंड आई होप आपको इसका लॉजिक बहुत अच्छा लगा होगा, जिस तरीके से सॉल्यूशन किया गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, थैंक यू।